हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टैली टूर 9 की। और टैली टूर 9 में सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, कि हम किसी से सामान लेंगे पैसा और उस पर ब्याज कैसे लगेगा, और हमसे कोई लेगा तो उस पर ब्याज कैसे लगेगा। और आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सीखेंगे। साथ में ही सीखेंगे कि अगर चैरिटी को पैसा हम देते हैं तो चैरिटी के लिए कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्रिएट ए कंपनी विद योर स्टूडेंट नेम फॉलोड बाय स्टूडेंट कोड। तो ये मेरा क्वेश्चन सिमिलर है, सब में सभी टूर में एक ही जैसा होता है। तो चलिए टैली खोलते हैं और क्वेश्चन को डील करना शुरू करते हैं। तो खुल गया है वर्क इन एजुकेशन मोड, और इसमें ऑल्ट प्लस F1 दबाएंगे। कंपनी जो खुली हुई है वो बंद हो गई है। अब क्रिएट करेंगे, और क्रिएट में हम जैसे डालते हैं वैसे ही A028 2168 और आज हम टैली के लिए बात कर रहे हैं, टैली टू 9। तो 9 चैप्टर का नाम इंडिया, और आज हम स्टेट डालते हैं गोवा, और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो है 17-18 है, हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। तो 17-18 मेरा फाइनेंशियल ईयर दिखेगा आपको। उसके बाद लेजर बनाना है कुछ, तो लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे लेजर, और मल्टीपल लेजर में जाके अल्टर करेंगे जिससे कि हम कैश और प्रॉफिट लॉस का अमाउंट डाल सकें। तो कैश के लिए अमाउंट जो है मेरे पास वो 12,000 है, तो वो डालेंगे 12,000। और पीएल के लिए जो हमारे पास अमाउंट है वो 32,000 है, वो डाल लेते हैं। उसके बाद अगला जो है कैपिटल है, तो वो लेजर का नाम है, वो डालना होगा आपको कैपिटल। इसको कैपिटल अकाउंट से मिलाएंगे, और इसका जो अमाउंट है वो है 2,75,000। उसके बाद अगला है लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, तो ये डालेंगे लोन फ्रॉम इंडियन बैंक। और जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो बिना मॉर्गेज का नहीं देता है, इसलिए इस लोन को सिक्योर्ड लोन में डालेंगे। और इसका जो अमाउंट है वो 1,22,000 वो डालेंगे। उसके बाद फर्नीचर है मेरे पास, और फर्नीचर फिक्स असेट्स होता है, स्थायी संपत्ति बोलते हैं। और इसका जो अमाउंट है 3,26,000 डालेंगे। उसके बाद अगला जो लेजर है HDFC बैंक वो डालते हैं, HDFC बैंक। बैंक अकाउंट से मिलाएंगे इसको, और इसका अमाउंट है 91,000 वो डालेंगे। और बस इतना ही, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो अपना बैलेंस शीट मैच करा लेते हैं कि क्या क्वेश्चन के अनुसार मेरा बैलेंस शीट आया कि नहीं। तो 4,29,000 आना चाहिए, और यहाँ पे भी आपको बैलेंस शीट में 4,29,000 दिखेगा। डिटेल में देखने के लिए और प्लस F1 दबाते हैं, तो डिटेल में दिखेगा कि किसके लिए क्या दिया गया है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, 1/4/2017 कंपनी परचेज 25 पीस HCL टैबलेट 11,200 का, और 20 पीस ब्लूटूथ का आइटम का नाम दिया गया है H850 1200 रुपये का है, फ्रॉम दीपक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड। तो ये लेंगे, तो चलिए ट्रांजेक्शन करेंगे परचेज के लिए। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, F9 दबाएंगे, और इनवॉइस नंबर पहले डालेंगे। तो इनवॉइस नंबर मेरे पास ये है, इनवॉइस नंबर हम कॉपी करके वहाँ डाल देते हैं।
और डेट 1/4/2017 है। उसके बाद पार्टी का जो नेम है वो दीपक ई वर्ल्ड है, तो ऑल्ट सी करके बनाना होगा हमको दीपक ई वर्ल्ड। और जिससे हम सामान खरीदते हैं वो हमारे लिए संडी क्रेडिटर हो जाता है, तो क्रेडिटर डालेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल का यस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको परचेज का लीजिए बनाना होता है, जिसको परचेज से मिलाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। अब नेक्स्ट हम आइटम की तरफ चलते हैं, तो हम खरीदे हैं HCL टैबलेट, तो इसके लिए बनाएंगे और सी करके लिखेंगे HCL टैबलेट और टैबलेट्स। उसके बाद इसको इसका जो अंडर होगा वो टैबलेट से हो जाएगा, टैबलेट है। इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्वांटिटी जो है वो पीसेस के हिसाब से नापा जाएगा, तो ऑल्ट सी करके पीसीएस करेंगे और इसको पीसेस से नापेंगे। स्टैंडर्ड रेट नहीं है कुछ भी, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो 11,200 है और क्वांटिटी जो है मेरे पास वो 25 है, तो 25 लेंगे। 11,200 रुपये का है ये। और नेक्स्ट मेरे पास आइटम है ब्लूटूथ 850, तो वो आइटम बनाएंगे ऑल्ट सी करके ब्लू टूथ। ब्लूटूथ H850 और इसको डालेंगे ब्लूटूथ में। इसको पीसेस में नापेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। इसका जो क्वांटिटी है हमारे पास जो हम खरीदे हैं वो 20 पीस है, तो 20 डालेंगे। और अमाउंट जो है इसके लिए 1200 रुपये रेट है, तो 1200 डालेंगे। और बस इतना ही, इसको यहाँ से न्यू रेफरेंस लेके एक्सेप्ट कराएंगे और यहाँ डालेंगे बी गुड्स परचेज, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 नंबर, तो 3 नंबर में आते हैं। तो ऑन 1/5 कंपनी रिसीव ए चेक, एक पैसा प्राप्त कर रहा है, तो F6 में आएंगे और F6 में आके F2 बटन से डेट डाल देंगे 1/5। और अब देखते हैं, तो कंपनी रिसीव ए चेक ऑफ ICICI बैंक, चेक नंबर दिया हुआ है एज लोन, लोन के रूप में हमको चेक मिला है 2,25,000 का फ्रॉम श्रीराम फिनांस एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम। कंपनी एग्रीड टू पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस, और हमको एक लोन मिला है 2,25,000 का जो श्रीराम फिनांस दिया है, और हम पे ब्याज जो जुड़ेगा वो 13% पर एनम के हिसाब से, और हमारी कंपनी भी एग्रीड हो गई है कि उसका जो भी इंटरेस्ट का पैसा बनेगा उसको क्वार्टर बेसिस पे पेमेंट कर दिया जाएगा, मतलब हर 3 महीने पे जो भी उसका ब्याज बनता है उसको हम पेमेंट करेंगे। तो चलिए, क्रेडिट, क्रेडिट कौन होगा, तो जिससे लोन लेंगे, तो लोन हम किससे ले रहे हैं, तो श्री राम फिनांस, और इसका जो अंडर हो जाएगा वो संडी क्रेडिटर हो जाएगा। और इसमें इंटरेस्ट के लिए ऑप्शन हम क्या करेंगे कि यस नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम लोन जो दे रहे हैं वो लोन हम इससे ले रहे हैं, मतलब इसका जो लोन है वो स्टे रहेगा ऐसे ही, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट हम जो जोड़ेंगे वो कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और कि जब आप मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल करते हैं तो इसको यस करना होता है। और यहाँ से हम यहीं पे इंटरेस्ट का अगर हम अमाउंट यस करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, तो हमको अगला कोई लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में, इसी के अमाउंट में वो अमाउंट ऐड होते जाएगा, तो
हम इंटरेस्ट का ऑप्शन यस कर देते हैं, इसी में F11 जाते हैं और F11 में आपको यहाँ दिखेगा कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस करेंगे। उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर, इसको यस करेंगे और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आप यस करेंगे और यहाँ पहला जो ऑप्शन है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, इसको आप यस करेंगे। उसके बाद इसको यस करेंगे और यस करने के बाद दो ऑप्शन को नीचे आएंगे तो रेट जो है वो 13% है और 13% पर एनम है, मतलब 365 दिन के लिए है। और ये जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस पे होगा क्योंकि हम ले रहे हैं और एप्लीकेबल में है। पास्ट ड्यू डेट लेंगे 0 डे और यहाँ से जो इफेक्टिव है वो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, इसको लेंगे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या रेफरेंस। राउंडेड में जो है वो राउंडेड के लिए कुछ बोला होगा तो राउंडेड के लिए कुछ नहीं बोला है तो हमको नॉट एप्लीकेबल रखना है और इसको आप एक्सेप्ट करा देंगे। और लोन जो आप प्राप्त करेंगे 225,000 का, तो 225,000 यहाँ से आप लेंगे। उसको न्यू रेफरेंस लेते हैं और यहाँ पे एक रेफरेंस बनाते हैं कि लोन स्लैश श्री राम फाइनेंस डैश 01, तो लोन है ये 13% के हिसाब से 365 डे। क्रेडिट और डेबिट जो करेंगे वो चेक से करेंगे तो हमारे पास HDFC बैंक है और ये आ जाएगा चेक, बताता है चेक नंबर क्या है। तो चेक नंबर आपको दिया हुआ है 25021, तो 25021 ये लेंगे। 1 मई को आ रहा है, बैंक का क्या नाम है तो किस बैंक का, हमको ICICI बैंक का चेक मिला है तो स्पेसिफाई बैंक लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डालेंगे ICICI बैंक और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। ब्रांच अगर दिया हुआ है तो ब्रांच लेंगे, तो ये ब्रांच नहीं दिया हुआ है, ब्रांच का ऑप्शन बंद करना है तो F12 दबाएंगे यहाँ से। यहाँ पे एक ब्रांच का जो ऑप्शन दिख रहा है ब्रांच नेम, इसको नो करके आप इसको आगे बढ़ेंगे तो आपको ब्रांच दिखना बंद हो जाएगा। नरेशन में यहाँ लिखेंगे कि बीइंग रिसीव्ड ए लोन, लोन प्राप्त करें, एक्सेप्ट करेंगे 1 मई को। और जो अगला क्वेश्चन है मेरा, वो अगला क्वेश्चन एक्चुअली आपको वाउचर क्लास का है, क्रिएट ए वाउचर क्लास अंडर सेल्स वाउचर टाइप विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। एक वाउचर क्लास बनाना है जिसका कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो क्रेडिट सेल नाम देना है वाउचर क्लास का, मतलब सेल्स के में वाउचर क्लास बनाना है। और दूसरी बात यह है कि ग्रुप जो दिया हुआ है इंक्लूडेड ओनली संडे डेटर, मतलब सेल्स में तो अभी आप देखते हैं कि सेल्स का वाउचर है तो उसमें आपको दिखाई देता है पार्टी नेम में कि संडे डेटर भी दिखेगा, संडे क्रेडिटर भी दिखेगा, कैश बैंक भी दिखाई देता है, तो हमको केवल संडे डेटर लेना है। उसके बाद अगला जो तीसरा कंडीशन है वाउचर क्लास बनाने का, उसमें है कि 1% ऑफ सेल्स अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू चिल्ड्रन वेलफेयर फंड बट शुड नॉट बी शोन इन इनवॉइस। और 1% जो होगा उसका अमाउंट, वो 8% जो हम सेल करेंगे उसमें से 1% अमाउंट हम क्या करेंगे कि चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जमा करेंगे, मतलब ये कि उसका 1% का लाइबिलिटी हम अपने यहाँ क्रिएट करेंगे जिसको हम वेलफेयर फंड में देना चाहते हैं। मतलब ये कि आप अगर TV का प्रचार देते होंगे तो किसी जैसे बाबा रामदेव है या आमला का प्रचार आता है तो वो लोग बोलता है कि इतना परसेंट, 1% या इतना रुपया हर प्रोडक्ट से हम गवर्नमेंट फंड में देंगे जो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए जाएगा। जैसे आप आमला का देखिएगा तो बोलता है कि एजुकेशन ट्रस्ट में जाएगा, इसी प्रकार से इसका भी 1% चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जाएगा। उसके बाद टोटल चौथा कंडीशन है कि टोटल बिल भी राउंडेड ऑफ राउंडिंग लिमिट 1 होगा, मतलब 1 के हिसाब से सबको राउंड किया जाएगा। तो चलिए वाउचर क्लास बनाते हैं। वाउचर क्लास बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो दोनों में से किसी में भी जाके आप वाउचर टाइप में आएंगे और यहाँ से ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर करके आप सेल्स में जाएंगे और सेल्स को बिना छुए आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है आपको। और यहाँ जो नेम ऑफ क्लास है यहाँ पे आके आपको लिखना है क्रेडिट सेल्स,
इसमें आप क्रेडिट सेल्स लिखेंगे, इंटर मारेंगे तो कुछ ऑप्शन खुलेगा, जैसे एग्जीक्यूटिव एक्सक्लूड दिस ग्रुप, मतलब कौन कौन इस ग्रुप को छोड़ेगा, तो हम बोलते हैं कि छोड़ेगा कोई नहीं, और इसमें रहेगा कौन, तो इसमें केवल हम रखना चाहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर को। अभी इसके अंदर क्या क्या रह सकता है, तो बैंक है, बैंक अकाउंट है, बैंक OCC है, बैंक OD है, बैंक ब्रांच डिवीजन है, कैश इन हैंड है, सन्ड्री क्रेडिटर है, डेटर, तो हम केवल डेटर को ही इंक्लूड करना चाहते हैं इन लिस्ट। और उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट लेजर है, तो डिफ़ॉल्ट लेजर तो हम यहाँ पे बनाएंगे सेल्स का, कि सेल्स होगा और इसको सेल्स अकाउंट में डालेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और जो सेल्स का अमाउंट है वो 99% ही होगा, क्योंकि 1% हम देने वाले हैं चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में, और इसका जो है वो अपर राउंडिंग करके या नॉर्मल राउंडिंग करके 1 से करेंगे, क्योंकि सभी काम को 1 से राउंडिंग करना है। उसका दूसरा जो लेजर होगा 1% के लिए, वो लेजर बनाएंगे चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, चिल्ड्रन वेलफेयर फंड, इसको करेंट लाइबिलिटी मानेंगे कि ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, जिसको हम जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो इसमें ना इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगा और ना कैलकुलेशन, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 1% होगा। उसके बाद जो एडिशनल लेजर है, तो क्या हम कोई एडिशनल भी लेजर लेना चाहते हैं, तो नहीं, इसको हम एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद तो ये मेरा वाउचर बन जाता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 2/5/2017 को कंपनी सोल्ड 12 पीस SCL टैबलेट 14,500 का और 12 पीस ब्लूटूथ जो है वो 1650 रुपये का टू दास ब्रदर, और दास ब्रदर को हम बेचेंगे। बेचेंगे कैसे, तो क्रेडिट पीरियड 15 दिन का दे रहा है, और 2% मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर चार्ज करेंगे। तो पहले बिल इसका कॉपी कर लेते हैं, जो बिल नंबर हमको डालना होगा उसमें सेल करते समय, तो इस बिल को कॉपी करते हैं और हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और सेल्स में जाएंगे। सेल्स में जाने के लिए F8 दबाते हैं, तो आपको ये एक नया ऑप्शन खुल के आया है। ये ऑप्शन ये है कि हम वाउचर जो क्लास बनाए हैं उसके लिए आया है, तो वाउचर क्लास हमको लेना है। क्रेडिट सेल्स नॉट एप्लीकेबल करते हैं, तो नॉर्मल जो सेल होता है ट्रांजेक्शन वैसा सेल होगा, और क्रेडिट सेल वाला करेंगे, मतलब केवल हम उधार की एंट्री कर सकते हैं इस वाले वाउचर में। और रेफरेंस नंबर, मतलब जो हम वाउचर का कॉपी किए हैं वो लेंगे, और F2 करके डेट बदल देंगे, 2/5 का है जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो 2/5 का है। पार्टी का जो नेम है वो दास ब्रदर्स है, तो Alt C करके यहाँ पे आपको लिखना होगा दास ब्रदर्स, और ये आपके लिए सन्ड्री डेटर होगा जिसको आप सामान बेचेंगे, तो सन्ड्री डेटर लेंगे यहाँ पे। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल यस करेंगे, और इंटरेस्ट का ऑप्शन यस करेंगे, क्योंकि इसमें हमको इंटरेस्ट भी जोड़ना है। तो रेट जो है वो रेट देख लेते हैं, तो 2% मंथली है, तो 2% लेंगे, और यहाँ से मंथली लेंगे, मतलब कैलेंडर का मंथ है, कैलेंडर का ईयर है, 365 दिन है या 30 दिन है, तो 30 दिन का मंथ लेंगे, और इसको डेबिट बैलेंस से जोड़ेंगे। पास्ट ड्यू डेट लेंगे यहाँ पे, और इफेक्टिव ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस रेफरेंस लेंगे, यहाँ से नॉट एप्लीकेबल करेंगे, कोई भी राउंडिंग नहीं करना है इसको, और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद अब जो नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम हम बेच कर रहे हैं, तो SCL का टैबलेट बेच रहे हैं जो 14,500 का है, तो SCL का टैबलेट लेंगे, और यहाँ पे आप डालेंगे 14,500 रुपये का, सॉरी यहाँ पे स्टॉक डालना है, तो स्टॉक जो है मेरा वो कितना माल बेच रहे हैं, 12 पीस, तो 12 डालेंगे, रेट जो है 14,500 रुपये का डालेंगे। उसके बाद अगला जो आइटम है हमको बेचना, वो आइटम है 12 पीस ब्लूटूथ जो 1650 रुपये का बेचेंगे, तो ब्लूटूथ लेंगे और यहाँ पे 12 पीस लेंगे, तो शायद दोनों जो है मेरा वो 12-12 पीस ही है, हाँ एग्जैक्ट दोनों 12-12 पीस है, और इसका जो रेट है वो 1650 रुपये है, तो 1650 लेंगे। और इसके बाद हम इसको न्यू रेफरेंस के साथ जोड़ेंगे, और इसको जोड़ेंगे कि जो इनवॉइस नंबर है वो जो ऊपर में डाले हैं वो वाला यहाँ पे डाल देते हैं,
और क्रेडिट पीरियड इसके लिए कुछ दिया हुआ है तो 15 दिन का दिया हुआ है, वो 15 डे लेंगे और इसको एंटर मारेंगे तो इंटरेस्ट है 2% मंथली बेसिस पे है डेबिट बैलेंस पे। और यहाँ से नरेशन लिखेंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन गुड्स सोल्ड करके लिखते हैं और एक्सेप्ट कराते हैं। तो हम पेज अप करके दिखाते हैं आपको, ये क्रेडिट वाउचर क्लास आपको दिखता है क्रेडिट सेल में, इसको हम ऑल फिल करके देखते हैं तो ये जो आपको बैलेंस शीट दिखेगा इसमें आपको इनवॉइस में ऐसा कुछ दिखाई देगा जिसमें कहीं भी वाउचर में ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आप चिल्ड्रन वेलफेयर चिल्ड्रन फंड को भी पैसा जमा करने वाले हैं, लेकिन वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। और उस ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए आप बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो उसमें आपको लाइबिलिटी दिखाई देगी। तो यहाँ से ऑल्ट प्लस से फोन दबाते हैं और यहाँ चिल्ड्रन वेलफेयर फंड के लिए जो अमाउंट है वो 1938 रुपये का एक अमाउंट आपको जनरेट यहाँ दिखाई देगा जो आपकी लाइबिलिटी में है। तो ये लाइबिलिटी आपको चुकानी है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है कि ऑन 31/5/2017 कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू दास ब्रदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिले इन पेमेंट पास द रिक्वायर्ड एंट्री सो दैट रिक्वायर्ड इंटरेस्ट अमाउंट बिल अपडेट ऑटोमेटिकली बिल भी अपडेट ऑटोमेटिकली। मतलब ये कि जो दास ब्रदर को 2/5 को सामान बेचा गया था वो 15 दिन के लिए बेचा गया था, मतलब 15 दिन का उसको रिलीफ मिला था, लेकिन उस 15 दिन में वो पेमेंट नहीं कर पाया तो हम महीने के अंत में जाके क्या करेंगे कि उस पर ब्याज जोड़ेंगे और ब्याज जोड़ के उसका अमाउंट इनक्रीज करेंगे। तो अमाउंट इनक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब अमाउंट इंक्रीज करना है डेबिट का तो डेबिट नोट से यूज़ करते हैं, और जब क्रेडिट का अमाउंट इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे। और जैसे आप पीछे देखे होंगे कि परचेज को रिटर्न करना होता था तो डेबिट नोट यूज़ करते थे, और सेल्स को रिटर्न करना होता था तो क्रेडिट नोट यूज़ करते थे। मतलब डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट नोट, और क्रेडिट को बढ़ाना है मतलब कम करना है तो डेबिट नोट। ये हमारा रिटर्निंग का केस था, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट के केस में डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट नोट करना होगा और क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट नोट करना होगा। तो हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में इन्वेंट्री वाउचर में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको जो डेबिट नोट का ऑप्शन है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो डेबिट नोट का जो ऑप्शन है वो अकाउंटिंग वाउचर में चेक करके देखते हैं तो यहाँ भी डेबिट नोट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, हाईलाइटेड नहीं है। तो यहाँ से आपको F11 दबाना होगा, और F11 या F12 इस दोनों में से जाके F11 1 या 2 दोनों में जाके आप यहां से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का ऑप्शन लेस करेंगे और इसको आप क्या करेंगे कि एक्सेप्ट कराएंगे बिना इनवॉइस नोट को ऑन किए। अब यहां पे डेबिट नोट आपका ऑप्शन यस हो चुका है क्योंकि दास और ब्रदर जो है दास एंड ब्रदर उसको आप सामान बेचे हैं, मतलब वो आपके लिए डेबिट नोट है। तो कंट्रोल प्लस F9 देंगे तो डेबिट नोट में आ जाएगा। अब इसके लिए कुछ इनवॉइस नंबर जो है वो इनवॉइस नंबर चेक करते हैं तो कोई भी इनवॉइस नंबर नहीं है। इनवॉइस नंबर जो सेल किए थे तो वो वाला ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इसको भी इंडिकेट करा देते हैं, और यहाँ से आपको इनवॉइस नंबर इसमें डालना होगा। डेट के लिए F2 दबाएंगे और 31/5 को हम इंटरेस्ट जोड़ रहे हैं तो 31/5 दी। अब जो डेबिट होगा तो डेबिट दास ब्रदर ही होगा क्योंकि उसमें हम ब्याज जोड़ने वाले हैं, और कितने का जोड़ेंगे ब्याज तो ये तो आया ही नहीं यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अमाउंट चेक करते हैं कि मेरा अमाउंट कितना डेबिट जो बैलेंस होता है वो अमाउंट कितने का होता है। तो आप डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में आके आप जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से आउट इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाके इंटरेस्ट रिसीवेबल में जाएंगे और यहाँ पे F2 बटन दबा के आप डालेंगे कि 1/5 से लेकर 31/5 तक मेरा कितना इंटरेस्ट का पैसा बनता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का जो पैसा दिखेगा वो 1805.80 दिखेगा, तो इस अमाउंट को हमको वहाँ पे एक्सेप्ट कराना है। तो हम चलते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आके डेबिट नोट में है, और डेबिट नोट में जो मेरा बिल है वो है 31/5 का है। डेबिट यहाँ से लेंगे दास ब्रदर को लेने के बाद यहाँ एंटर मारेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट का पैसा तो आ ही नहीं रहा है।
तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम आने के बाद जब हम यहाँ इनवॉइस नंबर डाल रहे हैं और वो हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम डेबिट नोट का ऑप्शन का सेटिंग नहीं किए हैं। तो डेबिट नोट के ऑप्शन में कुछ सेटिंग करनी पड़ती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए। तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग सेटिंग करेंगे। सेटिंग करने के लिए बाहर निकलना होगा, आपको अकाउंट इन्फो में जाना होगा और अकाउंट वाउचर टाइप में जाएंगे, यहाँ से ऑल्टर करेंगे और डेबिट नोट को ऑल्टर करेंगे। डेबिट नोट के ऑल्टर में आके और यहाँ पे आके सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे, क्योंकि हमको सिंपल लगाना है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लिखेंगे वाउचर क्लास में, इंटर मारेंगे तो यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आप यस करेंगे। और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो हमको एक ही ऑप्शन यस करना है और एक्सेप्ट कराना है। अब आके हम जब अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और यहाँ डेबिट नोट के उसमें बिल में बिल डालेंगे, 31 मई लेंगे और डेबिट में दास ब्रदर को लेंगे, और इसको जब हम एक्सेप्ट कराते हैं इस ऑप्शन को, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। डेबिट नोट ऑलरेडी खुला हुआ है इसलिए इस पर काम नहीं हो पा रहा है। जैसे हम बदलते हैं इसको पेमेंट वाउचर में गए, अब डेबिट नोट में आते हैं कि कंट्रोल F9 दबाएंगे तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा वाउचर क्लास का, वाउचर टाइप का। तो ये ऑप्शन आपके पास आएगा तभी हम इसमें काम कर पाएंगे। तो वाउचर क्लास हमको ये नॉट एप्लीकेबल वाला आ रहा था तब से, आप सिंपल इंटरेस्ट वाला लेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट वाला आप खुलेगा। यहाँ पे वाउचर क्लास आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो ऑप्शन है वो यस किया हुआ दिखता है। रेफरेंस नंबर जो सेल किए थे वही डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ से दास ब्रदर लेंगे तो ये आपको पुराना रेफरेंस दिखेगा जो सेल करते समय उस पर लगाए थे एंड ऑफ लिस्ट, और इसको यहाँ से लेंगे तो ये अमाउंट आपको दिखेगा कि 1808.80 रुपये, जो इस पर ब्याज का अमाउंट बनता है। न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे कि इंटरेस्ट डैश दास ब्रदर 0, तो इंटरेस्ट लिख दिया है इसको। आप यहाँ से 2% है 30 दिन के लिए डेबिट बैलेंस है। अब क्रेडिट जो होगा वो क्रेडिट क्या होगा आपके लिए, तो क्रेडिट जो होगा वो इंटरेस्ट का एक लेज़र बनेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव का बनेगा जो आपको इनडायरेक्ट इनकम माना जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम होगा आपके लिए। और इस सब को छोड़ के एक्सेप्ट कराएंगे ऐसे ही, ये हो जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है। तो पेजअप करके आप यहां से इसको ऑल्ट पी करके लिख सकते हैं, तो आपको डेबिट नोट में इंटरेस्ट का पैसा आपको दिखाई देगा 1800 इतने रुपये। तो ये डेबिट नोट है मेरा, इसको आप यहाँ पे आके देखते हैं बैलेंस शीट में या पीएल में, तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है। बैलेंस शीट में तो जो प्रॉफिट है वो दिखाई देगा, लेकिन पीएल में आते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इंटरेस्ट का जो पैसा वो कितना आपको बना है। तो जो हम क्रेडिट साइड में है यहाँ पे परचेज है, नेट प्रॉफिट है, तो इनडायरेक्ट इनकम में आपको 1808.80 रुपये आपको दिखने लगता है जो आप उस पर लगाए हैं। तो इतने रुपए से उस पर ऐड भी हो चुका है उसका, जब हम लेज़र चेक करते हैं डिस्प्ले में आके अकाउंट बुक चेक करते हैं, और अकाउंट बुक में लेज़र में आते हैं, लेज़र में हम चेक करते हैं दास ब्रदर का, तो ये दो चीज़ दिखता है। एक तो सेल 1,93,800 रुपये का जो हम इसको सेल किए थे, और प्लस डेबिट नोट इंटरेस्ट रिसीव किए हैं इसे 1808.80 रुपये, तो ये इस पे हम जोड़े हैं। उसके बाद हम बैक होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन मेरा जो कहता है कि अगला 6 नंबर क्वेश्चन कि कंपनी सॉरी इसमें 5 नंबर क्वेश्चन और कुछ तो नहीं रह गया। कंपनी सोल्ड 12 पीस SCL 2% से लगाना था, वो तो हो गया। 6 नंबर हम लोग यूज़ कर रहे थे। कंपनी चार्ज इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट टू दास ब्रदर एज पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिले इन पेमेंट, पास द रिक्वायर एंट्री सो दैट रिक्वायर इंटरेस्ट अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली अपडेट। तो रिक्वायर एंट्री हम कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
सात। तो क्वेश्चन नंबर सात है कि 31/7/2017 कंपनी इशू ए चेक ऑफ HDFC बैंक टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम श्रीराम फिनांस। तो जो लोन का अमाउंट है श्रीराम फिनांस का, उसको इशू कर रहे हैं हम चेक। तो लोन का जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, तो हम जो लोन लिए थे वो लिए थे लोन 1/5 को, और पेमेंट कर रहे हैं 31/7 को, मतलब 5/5/6/7/7 तीन महीने का उसको क्वार्टरली पेमेंट करना था। तो तीन महीने का जो इंटरेस्ट बनता है उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो पहले तीन महीने का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे फिर पेमेंट करेंगे। और जो हमको श्रीराम फिनांस वाला जो लोन दिया है, वो लोन हमको दिया है 13% पर एनम से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है सॉरी। और ये जो हम दास ब्रदर को बेचे थे ये कंपाउंड इंटरेस्ट में था, तो ये कुछ मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे डिस्प्ले में जाके डेबिट में जाके और ये डेबिट नोट को हम डिलीट कर देते हैं। डेबिट नोट को डिलीट करने के बाद आप फिर से अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और अल्टर करेंगे, और यहाँ से डेबिट नोट को लेके इसमें वाउचर क्लास में आके इसको सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना था, ये ध्यान नहीं दिए थे। इसको जो सेकंड ऑप्शन है इसको भी यस करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब एक्सेप्ट कराने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और अकाउंटिंग वाउचर में आप आके यहाँ पे डेबिट नोट है तो कुछ और वाउचर लेते हैं। फिर से डेबिट नोट में जाने के लिए ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो मेरा जो था वो 1808 रुपया 80 पैसा आ रहा था, तो इसमें देखते हैं कि कितना आता है दास ब्रदर का। तो इसमें आपको भी उतना ही दिख रहा है, क्योंकि जो है ये फर्स्ट महीने का ही है। कंपाउंड का मतलब ये होता है कि जब उतना अमाउंट पेड ना किया जाए और फिर आगे का समय निकल जाता है तो उस पर उतना इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है। तो ये है यहाँ से बीन, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही आपको दिखेगा, बीन इंटरेस्ट इनकर्ड। अब रिपोर्ट तो हम देख ही चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके अनुसार अब हम काम करते हैं। 31/7/2017 को कंपनी इशू कर रहा है चेक, तो पहले इंटरेस्ट का पैसा उसका ड्यू कराते हैं और फिर उस पर चेक इशू करते हैं। तो इंटरेस्ट का ड्यू कराने के लिए अकाउंटिंग क्या करेंगे कि अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में वाउचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से ऑल्टर करेंगे। और अब हमको क्रेडिट नोट को ऑल्टर करना होगा, क्रेडिट का पैसा इंक्रीज करना है। तो क्रेडिट नोट में आके आप क्या करेंगे कि नेम ऑफ क्लास में आके सिंपल इंटरेस्ट डालेंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये 13% पर एनम के हिसाब से बोल रहा है, इसमें कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे, इसको यस करेंगे पहला ऑप्शन को, दूसरा को नो ही रखेंगे, कंपाउंड में दूसरा ऑप्शन यस करते हैं। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में, और सबसे पहले डेट डालते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में आके हम क्रेडिट नोट को लेते हैं, कंट्रोल प्लस F8, और यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं और यहाँ डेट डालते हैं F2 करके। तो 31/7 का हम इंटरेस्ट डालें, और जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर जो हम इससे लोन लिए थे, तो लोन लिख कर बनाए थे श्रीराम का, तो हम इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखेंगे, लोन श्रीराम फिनांस -01 ये डाले थे शायद इनवॉइस, और 31 जुलाई का हो जाएगा। क्रेडिट जो होगा वो श्रीराम फिनांस हो जाएगा, और इस पे आपको दिखेगा कि 7292.47 रुपया का लोन बन गया है, मतलब ब्याज का पैसा बना है। न्यू रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरेस्ट स्लैश श्रीराम SRM-01, और इसको 13% पर एनम के हिसाब से एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ से डेबिट जो होगा वो एक्सपेंस होगा, ऑल्ट सी करके क्लियर बनाएंगे, इंटरेस्ट पेड करके, इंटरेस्ट पेड। और ये जो इंटरेस्ट पेड का होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो लेजर बनेगा उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाते हैं, ये अच्छा रहेगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। और इसका जो इनडायरेक्ट इनकम था उसका, तो ये इसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा,
और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इतना का एक्सपेंस बनेगा आपके लिए, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, एक्सेप्ट करा सकते हैं। पेज अप करके देखते हैं, तो जो मेरा इंटरेस्ट का पैसा बना है 7292 रुपया, तो इसका कैलकुलेशन अगर हम करके देखते हैं तो कैलकुलेटर खोलते हैं, और कैलकुलेटर खुल गया है। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन जो मेरे पास है उसमें हम लिए थे 225,000 का, 225,000 का जो लिए हैं तो 225,000 रुपया का ब्याज 3 महीने का कितना बनता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 225,000 का 13%, तो 13% होता है 29,250 रुपया, उसको डिवाइड करेंगे 29,250 रुपये का हम डिवाइड करेंगे 29,250 रुपये को डिवाइड करेंगे 4 भाग से, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं, तो 7312 रुपया समथिंग आ रहा है, लेकिन कंप्यूटर मेरा 7292 रुपया 43 पैसा ही जुड़ा है, तो मतलब वो डे के हिसाब से जुड़ा है। तो इसको हम लेंगे और इसको आप क्या करेंगे कि एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ से यस, आप इसका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो भी आप चेक कर सकते थे। आप आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल। तो पेबल अमाउंट जो मेरा है कि 1/5 को शायद लिए थे और 31/7 को कितना बचना है, तो हम जो ट्रांजेक्शन मारती हैं जिसकी वजह से वो अमाउंट हमको यहाँ पेबल वाला नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ड्यूज हो चुका है। अगर हम उसको डिस्प्ले में जाके डेबिट से उसको डिलीट कर देते हैं क्रेडिट नोट को, और फिर जाके चेक करते हैं डिस्प्ले में, और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और पेबल, तो ये करेंट लाइबिलिटी में आपको दिखाई देता है कि 2404 रुपये। ये डेट कब से दिख रहा है, तो 1 अप्रैल से 31 मई का दिख रहा है, लेकिन हमको कब से कब का लेना है, तो 1/5 से लेकर और लेना है 31/7 तक का। तो इतने दिन का कितना, तो 7292 रुपये 47 पैसा ये अमाउंट आपको पेड करना होगा। तो ये अमाउंट ड्यूज करते हैं, और ड्यूज करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम कोई और वाउचर लेते हैं, फिर क्रेडिट नोट में जाते हैं, Ctrl+F4 सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको, यहाँ पे आप लिखे थे जो बिल लिखे थे वो लोन था, श्रीराम था, /01 था, डेट 31/7 है, और क्रेडिट जो होता है वो श्रीराम फिनांस हो जाएगा। ये लोन का जो है ये लेंगे, इसको यहाँ से एक्सेप्ट कराएंगे, न्यू रेफरेंस लेंगे, और इसका रेफरेंस जो है वो इंटरेस्ट करके डाल देते हैं, जिससे ये हमको याद रहे SRM/01 13% के हिसाब से, और इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस के हिसाब से जोड़ेंगे। यहाँ से लिखेंगे बी इंटरेस्ट ड्यू, और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा जो अगला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 जो फाइनली क्वेश्चन लास्ट है, उसमें बोलता है कि ऑन यहाँ पे ड्यूज करने के बाद उसको पेमेंट भी करना था, तो यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। F5 में जाएंगे और पेमेंट करेंगे श्रीराम को, और श्रीराम को पेमेंट कितना करना है, तो हमको इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनता था 7200 कुछ रुपया, उसको देखना पड़ेगा कि कितना अमाउंट था, उसका पेमेंट करना है। तो आप पेमेंट करने के लिए आप आते हैं डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेट बुक्स अकाउंट बुक है इसमें, आप लेजर को लेंगे, लेजर में जाके आप श्रीराम को जब लेते हैं श्रीराम फिनांस को, और यहाँ से Alt+F1 दबाएंगे, तो ऐसे भी 7292 रुपये दिख रहा है 31 जुलाई से लेकर 31 मई तक। अगर F2 डाल के आप यहाँ लेते हैं कि 1/5 से हमको बताया कि कहाँ इतना तक तो कितना है, तो एक तो इसको रिसिप्ट लिए थे 225,000 का वो दिख रहा है, और 7292 रुपये 47 पैसा ये ब्याज का पैसा बनता है। तो 7292 रुपये 47 पैसा ये हमको पेमेंट करना होगा। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, पेमेंट में जाके श्रीराम को डेबिट करेंगे,
और 7292 रुपया, जैसे हम बोल रहे हैं सॉरी 7292.47 रुपया। अब याद रहेगा यहाँ पे आके अकाउंटिंग वाउचर में गए श्री राम को लिए और यहाँ पे अमाउंट डालना है 7292.47 रुपया। इंटर मारेंगे, एडजस्ट कराएंगे तो एडजस्ट हमको क्या करना है, लोन का अमाउंट इतना था और इंटरेस्ट का अमाउंट, ये दो रेफरेंस दिख रहा है, इंटरेस्ट के लिए अलग रेफरेंस बनाए हुए हैं, इंटरेस्ट क्लिक कर और लोन के लिए अलग, तो इंटरेस्ट का खाली पैसा हमको पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट वाला लिए, क्रेडिट में जो है हमारा HDFC बैंक हो जाएगा। और चेक से हो रहा है, चेक नंबर क्या है, तो चेक नंबर हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो 652321 ये चेक नंबर है, 652321 ये लेंगे, और ये 31/7 को ही पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट कर देंगे आप, सॉरी ये वाला कंपनी इशू है चेक HDFC बैंक, सॉरी नीचे वाला नहीं लेना था हमको, ये 250125, तो यहाँ पे आपको चेक नंबर लेना है 250125 ये लेना है, और यहाँ से नरेशन में लिखेंगे कि बी इंटरेस्ट क्वार्टर बेस्ट पेड, क्वार्टरली क्वार्टर बेस्ट पेड हो गया। अब पेमेंट कर दी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर मेरा जो 8 कहता है कि 31/7/2017 दास ब्रदर क्लियर द इंटायर ड्यू अमाउंट विद इंटरेस्ट बाय चेक एक्सिस बैंक, और जो दास ब्रदर पे जितने का सेल किए प्लस जितना मेरा ड्यू इंटरेस्ट हुआ उन सब का अमाउंट वो क्लियर कर रहा है एक्सिस बैंक के चेक से, चेक नंबर दे रहा है, तो रिसिप्ट करेंगे F6 में जाके और रिसिप्ट में क्रेडिट करेंगे दास ब्रदर को, दास ब्रदर से हमको कितना चाहिए तो 1,95,608.80, तो ये पूरा डालेंगे 1,95,608.80। एडजस्ट कराएंगे तो ये जो एडजस्टमेंट अमाउंट है ये पूरा अमाउंट हो जाएगा एडजस्ट, और डेबिट जो करेंगे तो डेबिट आप करेंगे इसको HDFC बैंक को, और यहाँ से आप लेंगे चेक नंबर, तो इसका चेक नंबर है 6523216523216523 और यहाँ से बैंक जो है वो बैंक एक्सिस बैंक का चेक है, तो स्पेसिफाई बैंक लेंगे और यहाँ से आप डालेंगे एक्सिस बैंक, और इसको नरेशन लिख के बीइंग फुल्ली अमाउंट रिसीव्ड, आप इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं तो मेरा ट्रांजेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम चेक कर लेते हैं, जैसे बैलेंस शीट में जाते हैं तो अभी भी बैलेंस शीट में हमको लाइबिलिटी दिखता है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया हम, उसके बाद आप जाते हैं तो PL में, तो PL में आपको दिखाई देता है कि एक्सपेंस जो है इतना का आप एक्सपेंस पे में जनरेट किए हैं, उसके बाद जो इनकम है वो इतने का जनरेट हुआ है बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव का है इधर, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो ये चीज़ें आप देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें आज के इस वीडियो में हम ये सीखे आज के इस क्वेश्चन से कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, और डेबिट क्रेडिट नोट को कैसे यूज़ किया जाता है। साथ में हम ये सीखे कि जो हम सेल करते हैं तो सेल का जो अमाउंट है उसमें से कुछ परसेंटेज हम कैसे चैरिटी को डोनेट करते हैं, कंपनी लोग ये कहता है अपना एडवर्टीजमेंट देता है कि मेरा प्रोडक्ट खरीदिए और उसका जो 1% है 2% 5% जो भी है हम इस ट्रस्ट को डोनेट करेंगे, तो वो अमाउंट आपके बैलेंस शीट में जनरेट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही,